की खुशबू जैसे रहती अपनों के आस पास। मेरी सोचें बदली सारी, तुमने यूं कर दिया असर। मेरा पल पल चाहतों की बूंदों में हो गया है तर। ब्रो, अभी आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये कहने का क्या मतलब है? मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। फरा, प्लीज मुझे इस तरह घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारा है जहाँ मर्जी आ जा। हम जिस माशरे में रहते हैं ना, उसके कुछ असूल भी अपनाने पड़े। कैसा माशरा, कौन से असूल? मैं किसी चीज को नहीं मानती। फिर तुम्हें बताओ, फिर रिश्ता कैसे आएगा? ना आए रिश्ता, मुझे शादी नहीं करनी। तुम्हारा शादी ना करने का फैसला ठीक नहीं। काम ना धंधा, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो बैठ के। देखें, इस महीने का आपने खर्चा भी नहीं दिया है और ताना दे रहे हैं। दूंगा भी नहीं। क्यों? मेरा मुझे मालूम है कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन काशान के एक्सीडेंट का तो मैंने बीना को भी नहीं बताया। बीना को आपने इत्तला नहीं थी, वो आपका और बीना का मसला। मुझे बेटा, कोई वजह होगी। सब पता नहीं किसी ने उनसे कह दिया है कि मारिया कराठे जानती है, और ये सुनते ही उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो डर गई होंगी, और बात डरने की है भी, न जाने कब गुस्सा आ जाए और फ्लाइंग किक का आजादाना इस्तेमाल शुरू हो जाए। अच्छा भाई, अब ये आपका रूम हो गया, मुझे तो लगा कि हमारा रूम है। तो फिर जा क्यों रही हो? तुम्हें तो आग से रुकना चाहिए ना। अगर मैं उसे कहूँ ना एक टांग पे पूरी रात खड़े रहना है, तो वो खड़ा रहेगा। अगर आपके कहने से आपका बेटा पूरी रात एक टांग पे खड़ा रहेगा, तो फिर तो उसकी बीवी इंतजार ही करती रहेगी ना। ये घर तो यकीनन आपका अपना होगा। जी, अल्लाह का शुक्र है घर अपना है। अपने घर में इंसान को तहफ्फुज़ सा रहता है ना। आपकी इकलौती बेटी है, यकीनन आपने उसके लिए जहेज का भी सोचा होगा। ये कैसा सवाल है, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। आओ बेटा, यहाँ बैठो। एक्चुअली मेरे बेटे के पास पुरानी गाड़ी है, आप अपनी बेटी को नई गाड़ी तो जरूर देंगी। समझ लो, तुम समझ लो, वो लड़की तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। जहाँ भी जाऊंगी रोड़े अटकाएगी, वो नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो। मैं जानती हूँ उसको, लेकिन मैंने भी उसे इस शहर से निकलने पे मजबूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी खतीजा नहीं। मैंने उसे इस शहर से ना निकाल दिया तो वो भी मुझे क्या समझती है? अरे इतना बदनाम करूंगी कि मुंह छुपाती फिरेगी वो। हाँ माँ, अब क्या कर दिया मारिया ने? अरे क्या नहीं किया, तुम पूछ रहे हो? अरे जहाँ मैं रिश्ता लेने गई थी ना, मुझसे पहले वहाँ पहुँच गई और उनको जाकर मेरे खिलाफ भड़का दिया, तभी तो उन्होंने रिश्ते से इनकार किया है। माँ आप मुझे एक बात बताइए, मारिया को कैसे पता चला कि आप उस घर में मेरा रिश्ता मांगने के लिए जा रही है? हाँ, तुम मुझे बच्चा समझती हो? उसको कैसे पता चला? तुमने बताया उसको, और ये तुम दोनों की मिली भगत है। माँ आप मुझे एक बात बताइए, आप जब उस घर मेरा रिश्ता मांगने के लिए जा रही थी, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आप कहाँ जा रही हैं, तो मुझे पता कैसे चलेगा? तुम मुझे क्या बच्चा समझते हो? तुम मेरे बाप नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरे ये कौन सा मुश्किल है, वो मैरिज ब्यूरो में फोन किया होगा कि मेरी माँ कौन से घर गई है रिश्ता लेने, जरा एड्रेस तो बताना, बता दिया होगा पहुँच गई। माँ आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। मैं मर गई।
जहां बोलेंगे मैं वहीं शादी करूंगा, ठीक है? पानी दे। हाँ पानी दे। माँ, एक बात बोलूं। आप मुझे रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपके पांव दबा। मैं अपनी प्यारी सी माँ के पांव। अरे ये हाथ दबा, बड़ा दर्द हो रहा है सुबह से। ना। काम कर। उस लड़की का नाम ना लेना। बिल्कुल मारिया, बिल्कुल नहीं। मरी जाए तो अच्छा मर। बटन दबा ना, मस्ते ना लगा। अच्छा बाबा दबा रहा हूँ। तीनों का शान चाय। चाय आप पी ले, मैं नहीं पी सकता। देख लिया बीना, कैसे बच्चों की तरह जिदें करता है ये। शाहिद कोई बात नहीं, उसका चाय पीने का दिल नहीं चाह रहा होगा, थोड़ी देर बाद पी लेगा। अच्छा तो अब तुम भी इसकी तरफदारी कर रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है वो मारिया के साथ चाय पीना चाह रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर क्यों लगाई तुमने? वो दरअसल हीरा के लिए रिश्ता आया था और उसको सजा के भी तो भेजना था ना लड़के की अम्मा के सामने, और फिर एंड रिजल्ट भी तो देखना था। हमारी हीरा है इतनी प्यारी, लड़के की अम्मा तो लट्टू हो गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब लड़के की माँ ने मुझे देखा तो उसे रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि वो अदनान का रिश्ता लेकर गई थी मारिया के लिए, और मारिया को पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। अब चाय पीने में मजा आएगा। एक मिनट एक मिनट, ये अदनान का क्या किस्सा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सर अदनान मेरा कोलीग है और मेरे साथ एफएम रेडियो में जॉब करता है। एक दिन फराह के घर पे वो अपनी अम्मा को लेकर आ गया और अंकल ने हुई बातों बातों में बोल दिया कि भाई मैं कराटे जानती हूँ, एंड देन वो मेरे खिलाफ हो गई। उनके ख्याल में लड़की का काम सिर्फ किचन संभालना। वैसे उनका ख्याल बिल्कुल ठीक है, लड़की का काम किचन संभालना ही। एक्सक्यूज मी, है कोई जो किचन के काम में मेरा मुकाबला कर सके? मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो एवरेज सा खाना बना लेती हूँ। और मैं भी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। भाई इन्हें भी खाना पकाना नहीं आता और ये एवरेज खाना पकाती है, क्यों ना ऐसा हो कि आज खाना मारिया पकाए। यस ये हुई ना बात। सर कम ऑन मारिया। जी सर। दैट्स द स्पिरिट। अब तो बनाना पड़ेगा। अरे मैं तुम्हारे जज्बात से बहुत इज्जत करता हूँ, तुम काशान से मोहब्बत करती हो मैं समझता हूँ, लेकिन काशान मारिया से मोहब्बत करता है, और अभी भी मुझे डॉक्टर ने बताया कि वो नीम बेहोशी की हालत में भी मारिया का नाम ही पुकार रहा था।
जज्बात की तो सिर्फ कदर ही की जाती है ना। आई हेट मारिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मारिया और काशान के दरमियान रुकावट ना बने। कोई ये क्यों नहीं समझता कि मारिया मेरे रास्ते की रुकावट है, मेरी हमदर्दी है। बल्कि तुमने हमारा जीना हराम कर दिया। मैं तो कभी तुम्हारी दोस्ती को अहमियत दी और कभी तुम्हारे एहसानों के तले दबी गई, और जिसे हमें देनी चाहिए थी उसे तो हमेशा नजरअंदाज किया मैंने। आई हेट हर। क्या बात है? माँ, मैंने मारिया को चैलेंज किया था कि काशान उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मुझे ही डिस्कार्ड कर दिया गया, मुझे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। माँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, क्या करूं? मत सोचो, चुप हो जाओ, खाना खा लो, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? क्या बात है, क्या सब खाना भूल गए हैं आज? खाना खिलाने का इरादा नहीं है क्या? अच्छा, अब मारिया कहाँ है? दो दिन से दिखाई नहीं दे रही भाई। वो आपको दिखाई भी नहीं देगी। क्यों? वो घर छोड़ के चली गई है। कहाँ? भाई मालूम नहीं है। और आप चल के खाना खाएं, क्यों जीरा किए जा रहे हैं? ये तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे सच सच बताओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस्मान, मारिया ने फरा के लिए काशान से उल्टी सीधी बातें की हैं। काशान ने फरा को डांटा भी है और नौकरी से भी निकाल दिया है। ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है उस्मान, इसलिए मैंने मारिया को घर से निकाल दिया। तुमने मेरे बगैर पूछे मारिया को घर से निकाला क्यों? वो मेरा ख्याल था कि आप बिना वजह परेशान होंगे। तो क्या आप, मैं परेशान नहीं हुआ हूं? फराह की मुलाजमत चली गई, मारिया घर छोड़ के चली गई, आमदनी के दोनों दरवाजे बंद हो गए, और तुम उस्मान। अच्छा बस 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 बस, उस्मान मेरी बात तो सुनिए। जी काशिफ साहब, प्लीज आप वापस आ जाए, ये अखबार संभालना बच्चों की बस की बात नहीं है। आप जो सैलरी बोलेंगे मैं आपको दूंगा, ठीक है? ओके, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं आप चीजों को। बस इसी तरह से तुम भी हैंडल करना सीख जाओ। देख ले, आपकी डुप्लीकेट ना बन जाओ। बिना मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, देखो प्लीज 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 बुरा मत मनाना और कोई रिएक्शन मत देना। कहें क्या बात है? बिना, मेरा एक प्लॉट है जिसे मैं तुम्हारे नाम पे करना चाहता। मेरे नाम? मेरे नाम क्यों? बिना, उस प्लॉट पर मैं बिना विलास के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता रंगों और फूलों से उस नगर ले चली।
फर्क पड़ता है, काम मुतासिर होता है। दफ्तर में सिर्फ काम होना चाहिए। सर हाँ सर प्लीज बैठिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑफिस में सिर्फ काम होना चाहिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। सर दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था, सारे आर्टिकल्स मैं खुद देखता हूँ, दफ्तर का सारा काम मैंने संभाला, इंतजामिया को भी। नादिर साहब आई एम हैप्पी विद यू, और बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि काशिफ साहब के आने तक एडिटर की सीट पर आप ही बैठे। और काशान? नादिर साहब काशान अभी छोटा है, बच्चा है, मेरे ख्याल से उसे अभी तबीयत की जरूरत है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। आपने फरा को मुलाजमत से कैसे बर्तरफ कर दिया? अंकल मैंने तो उसे मुलाजमत से नहीं निकाला। तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए उस पर इल्जाम लगाते हुए। अंकल आप देखिए देखिए आप जी, लेकिन आप बैठे हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। आप चाय लेंगे या कॉफी? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। गन एक तरफ आप मुझे बेटा भी बोल रहे हैं और शर्मिंदा भी हो रहे हैं, डांटना तो बड़ों का हक होता है। नहीं दरअसल मैं बेटा मैं घबरा गया था कि अगर फरा की मुलाजमत नहीं रही तो घर के अखराजात का क्या होगा। अंकल क्या रिटायरमेंट के बाद आपने कोई जॉब नहीं की? अब इस उम्र में मुलाजमत कौन देगा बेटा? अंकल आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, आप सुबह मेरे ऑफिस आ जाइए, हम लोग बैठकर कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। तुमने मुझसे झूठ बोला था। मैं आपको बता प्लीज रुक जाइए। चुप। वैसे ब्रो आज के बाद मैं तो एक ही कुक का खाना पसंद करूंगा। मैंने बाबा के सारे दोस्तों को फोन करके पूछ लिया लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। चले गए उस माँ, जरा सा भी हमारा ख्याल नहीं आया। मसला है मेरी बेटी की उस वक्त तक शादी नहीं हो सकती जब तक मेरे होने वाले दामाद के मुतालबात पूरे नहीं। खुशबू जैसे रहती अपनों के आस पास, मेरी सोचें बदली सारी, तुमने यूं कर दिया असर, मेरा पल पल चाहतों की बूंदों में हो गया है तर। हम सफर हम सफर हम सफर हम सफर हम सफर हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर।